हेलो एवरीवन वंस अगेन आई नेहा वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ ग्रेड सिक्स चैप्टर सेवन फेयर प्ले सो लेट्स बिगिन आइए इस चैप्टर की हिंदी समरी को देख लेते हैं फेयर प्ले जो स्टोरी है ये दो बेस्ट फ्रेंड्स की है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे दोनों का गांव में बहुत सम्मान भी था जुम्मन की एक बूढ़ी बुआ थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी पर एक कंडीशन भी रखी कि वह जुम्मन के साथ ही रहेंगी और जुम्मन को उनकी पूरी देखभाल करनी होगी अब दो सालों तक तो अच्छे से चलता रहा सब कुछ फिर जो थी सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई जुम्मन और उसकी फैमिली का एटीट्यूड बुआ के प्रति चेंज हो गया जो थोड़ा बहुत खाना उनको देते थे वो भी बेजती के साथ देने लग गए तो आखिर बुआ भी कब तक सहती उनका सब्र जो था वो एक एंड पर आ गया था समाप्त हो गया था ठीक है उनको लगा कि वह शायद जुम्मन के घर में बोझ बन रही हैं तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि तुम मुझे मंथली अलाउंस जो है वो एवरी मंथ कुछ मनी मुझे दे दे रहे हो ताकि मैं अपना जो खाना है वो अलग से बनाऊंगी अब से तो जुम्मन उनको रूडली बोलता है कि मेरी पत्नी अच्छे से घर चला तो रही है तो बुआ वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो बुआ ने इस जो मैटर है उसको पंचायत के सामने ले जाने का निर्णय किया डिसीजन लिया अब अपनी बात समझाने के लिए वह बूढ़ी महिला यानी कि बुआ जी गांव वालों के पास जाती है कुछ लोग उनके टूवर्ड सिंपैथी शो करते हैं और कुछ उनकी मजाक उड़ाते हैं उन पर हंसते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वह जुम्मन और उनकी पत्नी से बात करके मामला सुलझा लें लास्ट में वह अलगू चौधरी के पास जाती हैं अलगू चौधरी जो जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड है वह पूरा मैटर जो है वो अलगू चौधरी को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है बट अलगू कहता है कि आपको पता है कि मैं जुम्मन मेरा जो है वो बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ तो इस पर वो कहती है आप सही के खिलाफ चुप तो नहीं रह सकते यानी कि उनको वो कन्विंस करने का ट्राई करती हैं और उनको लास्ट में ये बोल कर जाती हैं कि तुम पंचायत में आओ और सच बोलो इस पर अलगू जो है कोई भी रिप्लाई नहीं करता बट उन बूढ़ी औरत के यानी कि बुआ जी के जो शब्द हैं वो उसके कानों में बजते रहते हैं अब जब ये मामला पंचायत में पहुंचता है तो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है जुम्मन बोला मेरी बुआ पंच को चुन ले मैं उनकी बात मान लूंगा बूढ़ी औरत ने यह जानते हुए भी कि अलगू चौधरी जुम्मन का एक बेस्ट फ्रेंड है उसके नाम को नॉमिनेट किया यानी कि उसका नाम जो है वो सजेस्ट करा कि ही शुड बी वन ऑफ द पंच तो इस बात पर जुमन का दिल खुश हो गया। उसने सोचा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है अलगू और वो मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकता बट उसकी खुशी जो थी वो कुछ देर तक की ही थी क्योंकि अलगू चौधरी ने बूढ़ी औरत के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया उस यानी कि औरत ने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करता है यानी कि गॉड लिव्स इन हार्ट ऑफ पंच नॉट टेक द रोंग डिसीजन राइट सो so, इसका मतलब यह था कि पंच होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण और उचित निर्णय ही देता है भले वो कोई भी रिलेशन में क्यों ना हो परंतु जुम्मन बहुत नाराज हो गया क्योंकि अलगू चौधरी ने उसके अगेंस्ट जो अपना डिसीजन है जो वर्डिक्ट है, वो दे दी तो दोस्ती की डोर जो थी इस घटना से जो है वो टूट गई घटना के बाद फिर दोनों एक साथ नहीं देखे गए जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता था तो कुछ दिनों बाद अलगू के सामने कठिन समस्या खड़ी हुई उसने अपना बैल समझू साहू को बेचा था अब समझू साहू ने वादा किया था कि वह एक महीने बाद उसकी अमाउंट जो है वो पे कर देगा उसकी कीमत अदा कर देगा। पर अनफॉर्चुनेटली वह पैसे चुकाने की आखिरी तारीख से पहले ही वह बैल मर गया तो साहू ने अब पेमेंट देने से इनकार कर दिया डिनाई कर दिया तो इस बार फिर मामला जो है वो पंचायत के सामने पहुंचा इस बार साहू ने पंच के रूप में जुम्मन के नाम का प्रस्ताव किया अलगू का दिल बैठ गया क्योंकि उसको वो बात याद आई कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया था तो अब जो है वो मेरे अगेंस्ट भी डिसीजन लेगा जुम्मन चौधरी तो उसको ये पक्का विश्वास था कि जुम्मन उसके खिलाफ निर्णय देगा फेवर में नहीं देगा अगेंस्ट में देगा पर उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हालांकि जुम्मन बदला लेने की इच्छा में जल रहा था पर न्याय की कुर्सी पर जब वो बैठा था तो वह ऐसा नहीं कर सका उसने अपना निर्णय अलगू के पक्ष में रखा अलगू की खुशी का ठिकाना न रहा और वह चिल्लाकर बोला कि यह पंचायत और न्याय की जीत है उसने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करता है फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले और रो पड़े आसुओ ने उन दोनों के बीच की गलतफहमी को भी धो डाला तो ये थी इस चैप्टर की समरी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन Thank you.